देखो बेटा, प्यार में शिकवा करो, शिकायत करो, पर शक कभी मत करो। एक बार नफरत के सहारे प्यार चल सकता है, पर शक के साथ प्यार नहीं रहता। प्यार हमें जीने की वजह देता है, जीने की हिम्मत देता है। जब सच्चा प्यार मिले ना, तो ऐसा लगता है जैसे कान्हा जी ने आशीर्वाद का हाथ हमारे सर पे रख दिया हो। अगर मन में प्यार हो तो वो मन मन नहीं, वृंदावन बन जाता है। इसलिए बस प्यार करो, शक मत करो। मम्मी, हाँ, आपकी अनुज कपाड़िया से मीटिंग हुई? अनुपमा बेटा। हाँ मामा जी। बेटा जल्दी चलो। क्या हुआ मामा जी? सूरी, विन भाई, पीछे। वोल्टेज तो डाउन है, इसलिए माइक्रोवेव नहीं चल रहा। फिर आपने ये डिश कैसे बनाई? अब क्या बताओ कैसे बनाई। वैसे मैंने ये डिश कैसे बनाई? मामा जी, ये मैंने बनाया। मैंने रिमेम्बर से। लेकिन विदाउट माइक्रोवेव तुमने ये डिश बनाई कैसे? चूल्हे पे। मैं आपको भी बता दूंगी, ताकि अगली बार अगर वोल्टेज कम होगा ना, तो आपका काम ना रुके। थैंक यू मैम। टेबल नंबर 3। अच्छा मामा जी, वोल्टेज कम की वजह से अंधेरा अंधेरा है। हर टेबल पे एक एक कैंडल रखते हैं। हाँ, अच्छा आइडिया है। सॉरी सॉरी, वो वोल्टेज जरा कम है ना, तो Hi again. आप? तुम? हाँ, नहीं हो पाएगा। मैं आपको तुम नहीं कह सकती। आप यहाँ कैसे? बस दिल किया तो आ गया, आना ही पड़ा ना। अब ये प्रॉपर्टी की डील करनी है तो प्रॉपर्टी देखनी तो पड़ेगी। ये मिस्टर शाह का कैफे है और वो मेरी डांस एकेडमी है, वो भी देख लीजिएगा आप। तुम तो चाहती हो कि मैं सब आज ही देख लूं, ताकि कल आने का कोई बहाना ही ना बचे। हाँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो मैं बस इसलिए कह रही थी कि आप इतने बड़े आदमी हैं और इतने बिजी रहते हैं, तो बार बार आने का समय कहाँ मिलेगा आपको। आना जाना सब किस्मत है, खोना पाना सब किस्मत है। सबसे गहरा दर्द है दिल का ठिकाना, ये भी तो सब किस्मत है। क्या आप सीधे सीधे बोलिए ना। बोल दो। हाँ? बोल दो। अब अगर किस्मत में ही बार बार टकराना लिखा है, तो ऐसे ही टकराएंगे ना। तो ऐसा कहिए ना शायर कपाड़िया जी। क्या का? शायर कपाड़ चुटकुला नहीं सुना है मैंने, वो इतने हंसने वाली कोई बात। ये उससे भी ज्यादा फनी था शायर कपाड़ी। यू नो व्हाट, इतने सालों बाद पता नहीं ऐसी बात पे कैसे इतनी हंसी आ गई शायर कपाड़ी। और आपको हंसता हुआ देखकर मेरी भी हंसी निकल गई। बोलो। बहुत याराना लगता है। तुषु से अनुपमा और मिस्टर कपाड़िया की दोस्ती के बारे में सुना तो यकीन नहीं आया, और अपनी आंखों से देखा तो यकीन भी आया और मजा भी। क्या नजारा है। बस बस मतलब टसका लग जाएगा बस। अब खाइए ने, वरना अगर ठंडा हो गया तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी।
ये सब तुमने बनाया? हाँ। लकी मी? नहीं मतलब आज शेफ के हाथ का बना डिश नहीं बल्कि तुम्हारे हाथों का बना खाना खा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर कि ये वो हलवा केक से भी बेहतर होगा। दैट वाज अमेजिंग, और ये होगा उससे भी ज्यादा। आप पहले खाइए और फिर बताइए कि कैसा बना है। मैं हाथ से खा लूं? हाँ। कैसा बना है? Heaven, amazing. This is mind-blowing. मैंने ऐसा खाना कभी नहीं खाया. Brilliant. Thank you. तुम्हारे हाथों में जादू है. वक्त वक्त की बात है. कभी ये जादू आपकी भी लाइफ में हुआ करता था, है ना मिस्टर शाह? By the way, I was thinking कि आप लोग एक महीने में मेरे इतने सारे पैसे कैसे लौटा पाएंगे, तो सोचा यहीं आकर मीटिंग कर लूं और आप लोगों की कुछ कमाई करवा दूं, but no, यहां ये सब देखने के बाद I don't think you need it. मानना पड़ेगा अनुपमा को, बड़ा लंबा हाथ मारा है उसने। हाँ, मिस्टर कपाड़िया जैसे बिजनेसमैन के साथ दोस्ती, वो भी ऐसी, अरे ये तो 40 लाख क्या 40 करोड़ भी अरेंज कर सकते हैं। हाँ, मजा आ गया। यू नो व्हाट, जीके के हाथ का खा खा के मैं बोर हो चुका था। ये अब मैं देती हूँ। या हाउ स्वीट इज दैट, कितनी फिक्र है अनुपमा को अपने दोस्त की। इतने प्यार से तो काव्या ने भी आपको खाना नहीं खिलाया होगा मिस्टर शाह। आप आए हैं तो थोड़ी देर और रुक जाइए, काव्या और मिस्टर शाह आते ही होंगे। तो क्या लगता है, हाँ ये दोस्ती दोस्ती से आगे बढ़ेगी? शट अप रॉकी। आउच, लगता है मैंने आपकी दुखती रख पे हाथ रख दिया। दर्द हुआ? सॉरी। हाँ, आई कैन अंडरस्टैंड, इस वक्त आपको बहुत गुस्सा आ रहा होगा। अब क्या करें, वाइफ हो या एक्स वाइफ, किसी और आदमी के साथ हंस हंस के बात करे तो कोई भी मर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरे क्लास के बच्चे बस आते ही होंगे, मैं जाऊं? आप ये खत्म करके वो मसाला चाय जरूर मंगवाइएगा, एकदम फेमस है यहाँ। मसाला चाय? श्योर। इट्स बैक। कपाड़िया, कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। माय सन इन लॉ टोल्ड मी कि आप अनुपमा के दोस्त हैं। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, हाँ? 2 साल पहले शिकागो बिजनेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी और आज यहाँ हो रही है। सो हाउ हैव यू बीन? शिकागो? आई एम रियली सॉरी, मैं पहचाना नहीं, आई एम सॉरी। आपने मुझे नहीं पहचाना? राखी दवे, CEO of दवे's एक्सीलेंसी क्लासेस। अरे याद है आपको, कॉन्फ्रेंस में मैंने सबके सामने अपने हस्बैंड को जोर से डांट दिया था, एंड अमेरिकन्स वर लाइक वाओ, इंडियन वुमेन आर सो एम्पावर्ड। याद आया? नो, लिफ्ट वाला इंसिडेंट रिमेम्बर? हम लिफ्ट से नीचे जा रहे थे और लिफ्ट में एक अंग्रेज के पैर पे मैंने अपना पैर रख दिया था, ही स्क्रीम सो लाउड, आई वाज सो एम्बैरेस्ड। याद आया? ओह नो। कोई बात नहीं राखी, अगर एके ने तुम्हें नहीं पहचाना तो मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। ये किंजल की मॉम है। ओहो, पारितोष की मदर इन लॉ, पहले क्यों नहीं? आई एम सो सॉरी। एके बहुत ही सिंपल और घरेलू है, तो ये इंट्रोडक्शन देना चाहिए था ना। इट्स सो नाइस टू मीट यू मिस्टर कपाड़िया, अहो भाग्य हमारे।
Hello, Mr. Kapadia. Hi, Mr. Shah. How are you doing? Sorry, my hands are dirty. How are you doing, man? Hi, buddy. Hi, Tosh.